हाय, मैं हूँ फारा खान और आप लोग ने मुझे तंग कर दिया है। मैं जहाँ जाती हूँ एवरीबडी आस्क मी मैम आपका यखनी पुलाव कैसा है, आपका यखनी पुलाव बनाना है, क्योंकि मेरा यखनी पुलाव लोखंडवाला में वर्ल्ड फेमस है। इसलिए आज मैं आपको वो सीक्रेट देने वाली हूँ जो मैंने किसी को नहीं दिया एक्सेप्ट फॉर शिल्पा शेट्टी। आई थिंक जो शिल्पा तू बहुत पैसे कमा रही है मेरा यखनी पुलाव बना बना के अपने चैनल पे। सो आई एम गोइंग टू शो यू ऑन माय चैनल हाउ टू मेक अ माइंड ब्लोइंग फारा खान स्पेशल यखनी पुलाव। आज हम ये क्या है? Oh no! आज हम चिकन का यखनी पुलाव बनाएंगे क्योंकि दिलीप मटन लाना भूल गया है। तुमको मटन बोला था ना लाने, क्या हो गया? भारी मिस्टेक हो गया सर, दिलीप मटन लाना भूल गया है, इसलिए आज हम चिकन का यखनी पुलाव बुलाएंगे तो वो थोड़ा और फास्टर बनता है। तो यखनी पुलाव के इंग्रेडिएंट्स है, पहले आप कांदा लो। ये कितना चिकन लाया है तू? 1 किलो। 1 किलो ये पक्का? ज़्यादा लग रहा है मेरे को। ये बहुत सिंपल है एक्चुअली, प्रेशर कुकर में बनता है। आप पहले कांदे लो और इसे काटो, और इसको मैं क्यों काटूँ, ये तू चल काट इसको, इसको दिलीप काटेगा। आपके घर में जो भी हेल्प है, हस्बैंड बेटा भाई, उनको बोलो ये सब काम करने। जल्दी काट। मैं तो काटते काटते थक गई। मैं तो थक गई भाई साहब। मेरे यखनी पुलाव में आलू जाता है, मेरे हर खाने में आलू जाता है। आलू इज माई फेवरेट वेजिटेबल। तो इसको आप छील के बड़े 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 4 टुकड़े कीजिए। आइए, हो गया। वो सब काम ना मुझे ही करना पड़ता है, ये देखो इतना भारी काम है। चल छुट्टी। आलू के टुकड़े हो गए। चलो अब हम मेन चीज जो है यखनी में, अगर आप फ्रेश गरम मसाला कूटेंगे तो आपका टेस्ट एकदम ही आएगा अलग। तो ये हम लेंगे गरम मसाला, इसको डालो आप मिक्सर ग्राइंडर में। मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ, ये मिर्ची, कश्मीरी मिर्ची तोड़ के इसको अंदर डालना, और मिस्टेक से भी अपने आँख को हाथ नहीं लगाना इसके बाद प्लीज। चलो इससे पहले आपको प्लग ऑन करना ज़रूरी है। और ये खोलो, हुआ ठीक है? तेरा वो रेडीमेड वाला रेडी रखा। दिलीप कर इसको ठीक। इसके बाद हम चलते हैं बनाने यखनी पुलाव। सीधा कुकर में बनता है, मैरिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ी सारा तेल, अगर आपको लग रहा है कि ये डाइट फूड है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें हम डालेंगे, ला जीरा लाओ, राय दे रहा है, जीरा मांगा राय दे रहा है। किधर है जीरा? आज तेरी नौकरी जाएगी, ये इतना सा जीरा रखा है इसने। हम थोड़ा सा जीरा ऐसे मैं मन से डालती हूँ, वैसे यखनी में जीरा वीरा आई डोंट थिंक जाता है। मोटा मोटा मिर्ची, अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो मिर्ची ऑब्वियसली मत डालिए। और उसके बाद ये पूरा कांदा इसमें डाल दीजिए। जब कांदा फ्राई होने लगे तो अदरक लहसुन का पेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा डालिए। आवाज़ कम करेगा तो कितना अच्छा होएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर घर पे बनाएं, अब तेरे को यहाँ खड़ा होना, जाओ उधर। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आप घर पे बना सकते हैं, नथिंग लाइक इट। वो जो हम लोग बाजार से लाते हैं, अनलेस यू गोना पे मी ब्रांड टू डू इट, इट्स बेटर टू मेक एट होम। चिकन को अच्छे से धोना, जितना धोएंगे उतना बेटर है। इसमें हम डालेंगे चिकन, मटन भी डाल सकते हैं, मटन को सीटी ज़्यादा लगती है और कुछ नहीं। एज यू कैन सी मैं कोई भी पानी नहीं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि चिकन पानी छोड़ेगा तो पानी मत डालिए। इसमें हम डालेंगे अभी जो मैंने गरम मसाला बनाया था, ला रेडीमेड वाला है ना गरम मसाला, इसको बाद में करना। अगर आप घर पे डाल सकते हैं तो बेटर है,
नमक भी डाली है इसमें, मैं सब स्वाद अनुसार ही डालती हूँ। मैं अगर आप मेरे को पूछेंगे तो कितना टेबल स्पून कितना है एंड ऑल आई कैन नॉट टेल यू, क्योंकि चिकन है हम इसको देंगे पहले 2 सीटी, क्योंकि इसके बाद एक और प्रेपरेशन है। 2 सीटी के बाद इसको बंद करके पार्ट 2 आता है, वो इंटरवल होएगा, अभी पार्ट 2 चालू होएगा। 2 सीटी चिकन हो गया है, ओनली थिंग दैट विसल्स एट मी नाउडेज। अब आप इसको बंद कर दीजिए और थोड़ी देर अपने ही जूस में पकने दीजिए। जब तक हम लेंगे इससे 1 कटोरी एंड 1/2 कटोरी चावल। अच्छी धुलाई से किसी का नुकसान नहीं हुआ है, तो अगर आपका बेटा हो, भाई हो, हस्बैंड, कभी कभी धुलाई करना ज़रूरी होता है। तो अनलाइक माय मूवीज, इसको थोड़ा आपको पकना पड़ेगा और पकाने देना पड़ेगा अपने ही स्टीम में, वो चेक करते रहना। पूरा स्टीम निकल गया, उसके बाद हम खोलेंगे और इसकी जो खुशबू है ना वो आहा, देखा। इसमें हम डालेंगे चावल, और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चावल बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ चावल धोकर डाल देना। बासमती चावल इज़ द बेस्ट टू पुट इन दिस। इसमें हम डालेंगे जो आलू हमने काटा था, हम आलू डालेंगे, एंड मेन इंग्रेडिएंट ऑफ यखनी, नेवर टू फॉरगेट, दही। दही को इसमें डालकर थोड़ा अगर आप पतला भी बनाओगे ना तो कोई, इसको देखो ऐसा थोड़ा दही को थोड़ा पतला बनाकर, ये देखो अभी आपका यखनी इतना टेस्टी बनने वाला है ना। 1 किलो चिकन में एटलीस्ट 1/2 किलो दही तो मिनिमम जाएगा, बट दही ज़्यादा डालना, क्योंकि इसमें ना पानी हम लोग डालते नहीं है, ये सब दही में पकता है। अब ये हो गया, ओह क्या स्मेल आ रही है। अगर चिकन है तो एटलीस्ट अभी 4 सीटी और चाहिए होगी इसको, और अगर मटन है तो डेफिनेटली 6 से 7 सीटी लगेगी। और मटन का पहले भी एटलीस्ट 4 से 5 सीटी देना, बिकॉज मटन नीड्स टू बी गल आउट। बट क्योंकि आओ इधर, क्योंकि हमारे दिलीप जी मटन लाना आज भूल गए हैं, तो हम चिकन की यखनी बना रहे हैं, वरना यखनी नॉर्मली मटन की बनती है। तेरे को एक्टिंग नहीं आती है ना, सिर्फ मेरे से जब पैसे चाहिए होते हैं तभी एक्टिंग करता है ना, चल जा। तो ये अभी 4 सीटी के बाद लेट्स सी, इसको अपने ही धुएं में अपने ही स्टीम में कुक करना चाहिए, थोड़ा इसको रेस्ट करने दो 10-15-20 मिनट जितना चाहिए। ओहो माइंड ब्लोइंग, वाओ। और ये हो गया आपका यखनी रेडी। आई थिंक आज मैं ना अपने पूरे स्टाफ को खिलाती हूँ, दिलीप हमेशा बनाता है यखनी, आज मैंने बनाया, आज उसको खिलाती हूँ, देखती हूँ उससे बेटर बनाया क्या मैंने। चलो आ जाओ सब लोग। वैसे तो आप इसको डिश में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मज़ा, असली मज़ा है पूरा कुकर वही रखने का और कुकर में से निकाल के खाने का। तो आज मैं अपने स्टाफ को ये खिलाने वाली हूँ, लेट्स सी इफ दे लाइक इट। आजा देख, प्लेट दे, हाँ पहले तू देना, लड़की लोग को बाद में देना। हाँ कैसा है अनिता? बहुत अच्छा है। अपर्णा अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। पुष्पा? बहुत अच्छा है दीदी। बोलो दिलीप? मजा नहीं आया। क्या क्या वो? हाँ खात लिखते रहना। हाँ चल, मजा नहीं आया, मेरे यखनी में मज़ा नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे खाना और मेरे फिल्मों में हमेशा मज़ा आएगा, तो देखते रहिए द फारा खान चैनल ऑन यूट्यूब। आई विल बी ब्रिंगिंग लॉट्स मोर रेसिपीज, लॉट्स मोर फन, लॉट्स मोर चटपटी थिंग्स फॉर यॉल। बाय बाय।